कन्या राशि आज का राशिफल यानी कि 15 दिसंबर का राशिफल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिंह कन्या स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें, एस्किप कहीं भी ना करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए आज का उपाय भी है, जिस उपाय को फॉलो करके आप दिन को बेहतर बना सकते हो। तो पहले हम आज के पंचांग को देख लेते हैं। आज तिथि है तृतीया और उसके बाद चतुर्थी भी होने वाला है। नक्षत्र है पुष्य और पक्ष है कृष्ण पक्ष। दिन है रविवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 7:05 में और सूर्यास्त हो रहा है 5:26 में। चंद्रोदय है 8:34 में और चंद्रास्त है 9:48 में। ऋतु है हेमंत और आज दिन है 10 घंटे 20 मिनट 16 सेकेंड का और महीना है पौष। आज आपके लिए शुभ समय है 11:55 से 12:36 के बीच में और अशुभ काल है शाम के 4:03 से 4:44 तक और राहु काल शुरू होता है 4:08 से 5:26 शाम में और दिशाशूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब हम जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में, तो वीडियो को आप देखते रहें। मित्रों, सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य, जो कि ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस की और ऊर्जा की कमी रहेगी, जिसके वजह से आप मानसिक परेशानियों में आज फंसे हुए रहेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका दिन बेहतर हो, आपको कोई बाधा ना आए, तो आपको अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और आपके अंदर जो बुरी बातें हों, जो नेगेटिव एनर्जी हो, उसे आप धक्का मार के बाहर फेंक दें। फिर आपके स्वास्थ्य में आज कहीं कोई बाधा नहीं आएगी और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, फिर आपको ये दिक्कत आज झेलना पड़ेगा। इसके बाद है आपका आज का धन संपत्ति, जो कि बेहतर है, शानदार है, लाजवाब है। रुका हुआ धन आज आपको मिलेगा और आपका आर्थिक हालात कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। आज अगर आप धन का निवेश करते हैं, तो वो निवेश भी आपके लिए फलदायी होगा और उस निवेश के माध्यम से आपको धन का लाभ होगा ही होगा। आज के दिन अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में आपको अकेले के मुकाबले ज़्यादा मुनाफा होगा और आपका काम भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। इसके बाद है आपका आज का पारिवारिक संबंध, जो कि अच्छा रहने वाला है। आज घर के किसी मेंबर के द्वारा कोई खुशखबरी मिलेगी। ऐसा पॉसिबल है कि आपके घर का कोई मेंबर आज किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करे, जो उपलब्धि आप सबों के लिए एक सपना हो और उसको सुनने के बाद आप भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आगे है आपका प्रेम संबंध, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट वीडियो को आप लाइक कर दें और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, घंटे को ऑल पर ऑन कर दें और वीडियो को आप हर जगह फैला दें, शेयर कर दें, ताकि आपके सगे संबंधी, आपके घर के लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अब है आपका प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध भी आज आपका बेहतर रहने वाला है। अगर आप खुले दिल से अपनी बातें, अपने दिल की बातें अपने प्रिय से, अपने मोहब्बत से बताते हो, तो आज वो भी आपके सामने खुलकर आएंगे और आप दोनों का प्यार आज परवान चढ़ना शुरू कर देगा। इसलिए दिल की बातें आप शेयर कर लें, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। अब है आपका व्यवसाय। मित्रों, व्यवसाय के लिहाज से दिन आपका सामान्य है, ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन बेहतर है। अगर आप काम के सिलसिले में कहीं यात्रा पर जाते हो, तो वो यात्रा आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। इसके बाद आता है आपका वैवाहिक जीवन, जो कि आपके लिए सही रहने वाला है। आज जीवन साथी की मासूमियत को आप अपने दिन में सबसे ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं। आपका जीवन साथी आज आपको काफ़ी ज़्यादा मासूमियत से अपने दिल की बात बताने वाला है, तो उसे आप गौर से सुने और उस पर अमल करें, बेहतर रहेगा आपके लिए।
अब हम जानते हैं आपके आज के उपाय के बारे में। आज आप अस्पताल में जाएं और वहाँ जो रोगी हों उनकी आप हेल्प करें। रोगी व्यक्तियों की हेल्प आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर ये आप करते हो तो इससे फ़ायदा आपको आज अवश्य मिलेगा। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव।